स्क्रीन पर मेरे साथ जो शख्स दिख रहे हैं उनसे आप आज बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर होने वाले हैं। कारण बहुत सारा है, मैं खुद उनसे इंस्पायर हूँ। पहला कारण ये कि JPSC क्वालिफाइड है इस बार। दूसरा कारण, गढ़वा जैसे ज़िले से, भंडरिया प्रखंड से खजूरी गांव, जिसे आप मैप पे भी ढूंढ नहीं पाएंगे, वहाँ से इन्होंने JPSC निकाला है। कारण और भी बहुत सारे हैं, SIS का ड्यूटी करते हुए निकाला है। और अगर कुछ बात बताऊं तो ये कि 10वीं में 54%, 12वीं में 58%, ग्रेजुएशन में 52%, 2007 में ग्रेजुएशन कंप्लीट, अब 15 साल के बाद अचानक दिमाग में आता है कि फिर से ज़िंदगी को एक नया आयाम देना है। SIS का ड्यूटी चल रहा था और 15 साल के बाद ठानते हैं कि JPSC लिखना है, और JPSC लिखते नहीं हैं 15 साल। पहला अटेम्प्ट, पहला एक्सपीरियंस JPSC का, या कह लीजिए कि पहला एक्सपीरियंस बड़े एग्ज़ाम का, और पहला में ही पार कर गए। पहले में ही इन्होंने बहुत ही बेहतरीन रैंक के साथ JPSC क्वालिफाई करा है। तो सबसे पहले सर आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। बहुत लंबी जर्नी रही है, बहुत इंस्पायरिंग जर्नी रही है, और कुछ ऐसा हुआ है जो बहुत सारे लोग ऐसा ड्रीम देखते होंगे, बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि अब मेरा सब कुछ ख़त्म हो चुका है। उन लोग जानना चाहते हैं कि आखिर आपकी जर्नी कैसी रही, शुरुआत से लेकर के ग्रामीण परिवेश में कब जन्म हुआ से लेकर के कैसे JPSC का सफ़र आपने तय किया, ये लोगों को बताइए, जिससे कि वो कनेक्ट कर सकें। और जो सपने धीरे धीरे कमज़ोर पड़ रहे हैं, जो सपने धीरे धीरे मर रहे हैं, उन सपनों में फिर से नहीं जान आ सके, उनके बारे में आप अपने जर्नी के बारे में उन्हें बताइए। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरा जर्नी जो रहा है बहुत ही कांटों से भरा रहा है। जैसा कि आपने भी मेरा परिचय दिया कि किस तरह हम ड्यूटी करके इस मुकाम तक पहुँचे हैं, तो सबसे पहले जो ग्रामीण परिवेश जो होता है अपने गांव में, आप भी देखते हैं अपने गांव में ही 5वीं क्लास तक पढ़ाई करना, भंडरिया में, हाँ पढ़ाई करना, उसके बाद जो भी है आगे 7वीं से लेकर 10वीं तक कुद्रुम हाई स्कूल, आदिवासी रेजिडेंशियल हाई स्कूल है जो ST लोग उसमें रहते हैं, उसमें मेरा 10th तक पढ़ाई हुआ, वहीं से मेरा 54% हुआ 2001 में। मतलब जो भी हो, उसके बाद आप आगे बस नाम लिखवाने के लिए सोचना पड़ता था किस कॉलेज में नाम लिखाएं, क्योंकि मेरे ऊपर गांव में इस तरह के लोग बताने वाले लोग नहीं थे किस कॉलेज में पढ़ना है और क्या मतलब आपको लेना है, साइंस लेना है, आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है, कोई बताने वाले नहीं थे। फिर भी मैंने सोचा कि ठीक है, थोड़ा सा मैं देख लूँ कि आगे क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन एन वक्त पर गार्जियन के पास पैसे नहीं थे। 10 के बाद हुआ क्या कि 2001 में जैसे ही मार्च आसपास निकले, मतलब पास आउट हुए, उसके बाद आगे इंटर में लिखाने के लिए गार्जियन के पास पैसे नहीं, एक साल हमें रुक जाना पड़ा। मतलब 2001 में हम नामांकन नहीं करवा पाए, पैसे की कमी से। तो पैसे की कमी से नहीं करवा पाए, तो उस वक्त हम क्या करने लगे कि भाई जो केंदु पता आपको पता है, पता है ना, वीडियो पता जो होता है, उसको गर्मी में जैसे ही आप पास करते तो गर्मी आ जाती है, गर्मी आने के बाद केंदु पता तोड़ने लगे ताकि कुछ पैसे करेंगे तब तो आगे पढ़ेंगे ना। वैसे बड़े बड़े जंगल में आप जरा उस गढ़वा जिले के जंगल की बात कीजिए, जो बीच का जो आपका गांव है, जो बड़ा सा गांव है, घनघोर जंगल जहां पर भालू बंदर शेर भी रहते हैं, उस पे जाके हम उस तरह का मतलब अपना पत्ती तोड़े हैं और बेचे हैं कुछ पैसा अर्न करने के बाद 2002 में JS कॉलेज डाल्टनगंज में अपना इंटर में नाम लिखवाए। अच्छा। उसके बाद लिखवाने के बाद वहीं से मेरा इंटर भी हुआ, 2007 में ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हुआ। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद फिर आगे पढ़ने के लिए कुछ कोई चांस नहीं रहा। बीच में हमने उसको ग्रेजुएशन करने के दौरान भी बहुत मैंने छोटा छोटा काम किया, छोटा बच्चों को पढ़ाने के लिए 300 तक मंथली तक मैं बच्चों को पढ़ाया हूँ। अच्छा, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं हकीकत बोल रहा हूँ। और उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ने के बाद कुछ सामाजिक संगठन में 1000 रुपए काम इधर उधर करके मैं किसी तरह ग्रेजुएशन भी निकाला। अच्छा,
उसके बाद फिर आगे कंपटीशन की तैयारी करने का मन में इच्छा थी, लेकिन कोई इस तरह का साधन नहीं था, कहाँ कोचिंग ज्वाइन करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कोई सुविधा नहीं है। जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक लोग जॉब में जा नहीं पाएंगे। इस तरह SIS का ड्यूटी कब से स्टार्ट किया आपने? हाँ, SIS का ड्यूटी मेरा 2017 में हुआ है। 2017 हाँ, इसके पहले मैं बता दूं, 2007 में ग्रेजुएशन करने के बाद 2008 में मैंने हैदराबाद पलायन कर गया। काम करते थे? हाँ, काम करते थे। अच्छा, एकदम जेन्युइन काम। वहाँ पर ग्रेजुएशन मेरा कम्प्लीट हो गया था, वहाँ मैंने सोचा कि कुछ अच्छे काम मिल जाएंगे, लेकिन इधर उधर ढूंढने के बाद भी इस तरह का काम नहीं मिल पाया जो ऑफिशियली हो, आपको अच्छा काम हो। इस तरह सिंपल ग्रेजुएशन का, इस डिग्री का कोई इस तरह का वैल्यू नहीं है। अच्छा, आप भी जानते हैं, जब तक आपको कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं हो, तब तक इस तरह का कहीं कुछ काम नहीं है। तो मजबूरन में मजदूरी का काम करना पड़ा, मजदूरी का ऐसा काम जो आप देखते हैं, स्लैब ढलाई होता है, भवन बनते हैं ऊपर का स्लैब ढलाई होता है, तो स्लैब ढलाई होता है उसी में मेरा काम स्टार्ट हो गया। और उसमें वैसा काम, पाइपलाइन का काम। अच्छा, पाइपलाइन जो होता है कि नीचे मिक्सर मशीन होगा, आप पाइपलाइन वहां पे जोड़ देंगे, ऊपर में स्लैब में मिक्सर मशीन से जाएगा, वो पाइपलाइन फिटिंग करने का काम था। बड़े बड़े आप देखेंगे 10 ताला 20 ताला, और वो पाइप जो होता है 3 मीटर पाइप होता है लंबा, वो मतलब लोहे टाइप का पाइप होता है, और आपको कांधा में लेकर 20 ताला बिल्डिंग में भी चढ़ाना है, आपको पाइप फिटिंग करना, डेंजर जगह में भी सेफ्टी बेल्ट लगा के आपको वहां पर लेके जाना है। मैं ऐसा काम कर चुका हूं। ऐसा करने के बाद तो इस कंडीशन में भी जब मजदूरी करते थे, मजदूरों के रह के बीच रह के भी ये ख्वाब जिंदा था कि कुछ करना है और JPSC करना है, सोचे थे उस समय? जी, मेरा एक ख्वाब था, बार बार मन में कचोटता था कि इतना BA करने के बाद भी ऐसा काम करना पड़े, मैंने कभी सोचा नहीं था, लेकिन मजबूरी थी। मन में रखा था कि संघर्ष जरूर करेंगे, एक वक्त आएगा कि हम भी जरूर इतिहास बदलेंगे। उस समय लगता था कि हो पाएगा? जरूर, मेरा अंदर कॉन्फिडेंस था कि जब इतना मैं हार्ड वर्क कर सकता हूँ, इसके अलावा तो और कुछ लगता था, कुछ भी और तैयारी करना, पढ़ाई करना। अभी को बोला जाए कि 8 घंटा आप कंटिन्यू बैठ के पढ़े तो हमसे आसान लगता है, जो इतना घंटों पसीना बहाना, उतना बड़ा काम करना, खेत में काम करना, घर संभालना, ये पढ़ाई से ज़्यादा कष्ट वाला काम है, उसको मैं मानता हूँ। अब पढ़ाई को मैं बहुत ईजी मानता हूँ, आसान से बैठ के पंखे में बैठ के आराम से टेबल में बैठ के आप पढ़ सकते हैं। तेंदू पत्ता तोड़ने से, हैदराबाद में काम करने से, उतना भारी लोहा उठा करके ऊपर चढ़ जाने से बहुत आसान है पढ़ना, बहुत आसान है। बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद का जर्नी क्या रहा, हैदराबाद से कब वापस आए? हैदराबाद आने के बाद 2017 में, नहीं 2016 में ही, सितंबर अक्टूबर आसपास हमने SIS यहीं पे आपका बेलचंपा, अच्छा गढ़वा रोड देख रहे हैं आप, SIS का आपका क्वार्टर है, मतलब हेडक्वार्टर है, ट्रेनिंग सेंटर है, वहां पर ज्वाइनिंग करने के बाद 2 महीना ट्रेनिंग हुआ। ट्रेनिंग करने के बाद हमें फिर देहरादून भेज दिया गया। अच्छा, और देहरादून कौन सा ट्रेनिंग था? डॉग स्क्वाड वाला। अच्छा, डॉग हैंडलर का, मतलब डॉग से मेरा ड्यूटी था। तो मैं वहां जाकर 1-2 महीना डॉग से भी ट्रेनिंग लिया। उसके बाद हमें पोस्टिंग हो रहा था गुजरात में, हमें लगा कि जब हम गुजरात चले जाएंगे तो फिर अपने स्टेट से हम कट जाएंगे, इसलिए तो फिर मेरा जो सपना टूट जाएगा, इसलिए मैंने वहां सोचा कि मैं गुजरात नहीं जाऊंगा, यदि आपको प्लेसमेंट करना है तो मेरे झारखंड में किया जाए। अच्छा, तो वहां भी लोग सुना, लोग करीबी थे, तो सोचा सही बात है, आप झारखंड अपना स्टेट में जाना चाहते हैं, ठीक है आपको भेज दिया जाएगा। तो लोग वही को झारखंड में भेज दिया गया, और एक जहां सबसे पहले मेरा फर्स्ट ड्यूटी था झास्को लैंप। अच्छा, झास्को लैंप आज भी है नामकुम में, जहाँ लाह फैक्ट्री बोला जाता है, वहाँ पर एक ड्यूटी स्टार्ट हो गया, और साथ में नाइट में ड्यूटी था, और नाइट में ड्यूटी करना, साथ में मोबाइल में पढ़ाई स्टार्ट करना, उस तरह 3G 4G धीरे धीरे, 3G था उस समय, और मेरे पास इस तरह का मोबाइल भी नहीं था, ऐसा वाला जो मतलब एंड्रॉयड मोबाइल जिससे आप तैयारी कर सकते, सिंपल मोबाइल से धीरे धीरे मैंने 3G का एक मोबाइल लिया। अच्छा, उसके बाद थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करने लगा अपने यूट्यूब चैनल से, क्या होता है नहीं होता है ये करने के बाद मैंने सोचा कि ठीक है, थोड़ा और भाई दिन में थोड़ा टाइम मिले, तो मैंने 6 महीने के लिए SSC का एक कोर्स ज्वाइन कर लिया। अच्छा, हाँ, SSC का कोर्स ज्वाइन करने के बाद मैं 6 महीना तक पढ़ा, उसके बाद हमें लगा कि ऐसा कुछ नहीं है, यदि हम खुद से मेहनत करें, गाइडलाइन उनका मिल गया, खुद से मेहनत करें, अपने पास बुक हो, लगन और परिश्रम हो, तो आगे जरूर कुछ कर सकते हैं। क्या बात, अब खुद से स्टार्ट करने लगा। और उसके बाद 2018 में मैंने IAS का भी एक बार एग्जाम दिया। अच्छा,
लेकिन वो प्रीलिम्स नहीं हो पाया क्योंकि तैयारी नहीं थी। 2017 में आप इतना सालों गैप करके आप उसमें देंगे, 2007 में ग्रेजुएशन, 17 में स्टार्ट किए हैं, किए हैं, 10 साल गैप हो गया, 10 साल का गैप, 18 में आप आईएएस का एग्जाम दे रहे हैं, तो वहाँ कुछ हो नहीं पाएगा। ओनली देखने के लिए वाकई में होता क्या है, आईएएस में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, मैं भी जरा अपना एक्सपीरियंस देख लूँ उसमें, तो उसमें नहीं हो पाया, फिर भी लगा कि ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, यदि हम तैयारी करें तो इसमें भी जाया जा सकता है। उसके बाद 2018 में ही रेलवे ग्रुप डी का वैकेंसी आया था, उसमें मेरा सीबीटी कंप्लीट हो गया था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट उसमें होता है ग्रुप डी में, वो कंप्लीट हो गया। और जब उसमें फिटनेस का बारी आया कि वहाँ पे आपको पश्चिम बंगाल में 28 मार्च को वहाँ पर 8 बजे रिपोर्टिंग था, तो 27 मार्च को शाम में जब मैं ड्यूटी में था डॉक्टर के साथ एसआईएस ड्यूटी में, उसे मैं देख रहा हूँ कि सबका फिटनेस वाला दौड़ धूप हो रहा, मेरा क्यों नहीं, मेल भी नहीं आया। तो एक्चुअली प्रॉब्लम यह था कि उस समय आरआरबी उसको लिया था, अब आरआरसी इसको कंडक्ट करा रहा था, अच्छा, दौड़ धूप वाला फिटनेस वाला, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। तो फिर भी मैंने सोचा कि ठीक है, अगर लेट सवेर अगर स्टार्ट होगा तो जाकर देखते हैं, मैं जी नहीं माना क्योंकि मैं फर्स्ट बार कोई एग्जाम क्लियर किया था, अच्छा, मैं चाहता था कि कोई भी नौकरी हो या चपरासी या कुछ भी हो, अंतो अथवा सरकारी जॉब पकड़ना है, ऐसा नहीं है कि वो बड़ा ही पकड़ना है, लेकिन ध्यान में था कि छोटा से स्टार्ट करके बड़ा में जाया जा सकता है, कम से कम जरिया होना चाहिए। तो 2018 में मैंने जैसे ही उसका देखा कि वहाँ पर जाना है, तो मैं 6 बजे वहाँ पर ट्रेन पकड़ कर पश्चिम बंगाल के खड़गपुर के लिए निकला, वहाँ पर मैं 2 बजे पहुँच रहा हूँ। तब तक वहाँ जितने भी कार्यक्रम थे हो चुके थे। पता करने के बाद मालूम पड़ा कि सॉरी सर, आप लेट पहुंचे हैं, आप कोई सेवा नहीं कर सकते हैं, आप तो समय खो चुके हैं, इसके लिए यहाँ तो आप कोई संभव नहीं है। मैंने सोचा अच्छी बात है, जब इस तरह अगर लक में मेरा यही होगा, तो मैंने उस नेगेटिव को पॉजिटिव बदला। मैंने सोचा नहीं, एक ग्रुप डी का जो पोस्ट है ये शायद मेरे लिए है ही नहीं, मेरे लिए एक अच्छा पोस्ट रखा है तो शायद हमको भी मालूम नहीं है, इसलिए मैंने वहीं से पॉजिटिव स्टार्ट कर दिया कि आज ग्रुप डी निकला है, भविष्य में कितने और एग्जाम निकलेंगे। मैंने वहीं से, पढ़ाई तो जारी ही है, फर्स्ट बार निकला उसके बाद मैं स्टार्ट कर दिया, और बस यही। इसके बाद 2018 में 2019 में आपका बहाली आ गया एनटीपीसी का, और सीजीएल वाला भी 2019 का ही है जो अभी तक कंडक्ट नहीं हो पाया है, उसमें भी इसको भी भर दिए और एनटीपीसी वाला भी भर दिए, और ग्रुप डी भी साथ में दोनों निकला था, अभी तक ग्रुप डी का एग्जाम नहीं हुआ है, एनटीपीसी को भी भर दिए। और हुआ क्या कि फिर लॉकडाउन हो गया, 2019-20-21 आ गया, 21 में धीरे धीरे सब प्रोसेस में आने लगे, और जेपीएससी का भी इधर 21 में ही फॉर्म आ गया, इसको भी मैंने डाल दिया, तो एनटीपीसी वाला भी साथ में था। हुआ क्या कि 2021 में एनटीपीसी भी लिखा और जेपीएससी प्री भी लिखा, और दोनों एनटीपीसी 3 लेवल में मेरा हो गया, 2, 3, 5, अच्छा, एनटीपीसी में भी हुआ, लेकिन एनटीपीसी से पहले जेपीएससी का जो मेंस का जो मतलब फाइनल सिलेक्शन का जो होता है 30 मई 2022 में क्लियर हो गया। अच्छा, तब से हमको लगा कि अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अब तो टॉप लेवल का जब झारखंड में जब मौका मिल गया तो एनटीपीसी सेंट्रल में कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका मेरा सीबीटी 2 होता है ना एनटीपीसी में, इसका 12-13-14 जून को मुजफ्फरपुर में सेंटर दिया था, अच्छा, इसलिए मेरा 30 मई को हो गया, तो जून में जाने की जरूरत ही नहीं है। जब जेपीएससी क्लियर नहीं होता तो अन्य विकल्प मेरे साथ थे, एनटीपीसी था, अभी भी सीजल में भर के रखा हूँ, लेकिन तब तो किधर हो गया, तो अब शायद चांस बैठने का भी चांस है, नीचे बैठ के क्या करेंगे। तो इतना इतना लंबा सफ़र है और इतना मुश्किल सफ़र है जी, और इस तरीके से मेहनत करने के बाद जब कोई रास्ता ना दिख रहा हो, आदमी मेहनत करते जाए इस उम्मीद में जी कि एक दिन सफलता मिलेगी, उस दिन जब आपको सबसे पहले पता कैसे चला, रिजल्ट हुआ है, रिजल्ट आया है, और जब आपको ये पता चला कि फाइनल सिलेक्शन हो गया है, आपका क्या रिएक्शन था, और घर वाले को जब आप बताए तो उनका कैसा रिएक्शन था इसके ऊपर जी। सबसे पहले मैं बता दूं, मेरे पास इतना, मैं जैसे ही मेंस निकाला इंटरव्यू को, हमको जानकारी हो गया था कि कहीं ना कहीं मेरा होने वाला है, अंदर में कॉन्फिडेंस था। इस तरह के जब आप तैयारी करेंगे, जी जान से मेहनत करेंगे, तो रिजल्ट तो अपने यहाँ पे आपको मालूम पड़ जाएगा, बिल्कुल, वो सबको होता है। यदि आप कहीं ना कहीं आप 2-4 घंटा पढ़ेंगे तो आपको लगेगा मैं तो पढ़ नहीं पाया, शायद मेरा होगा या नहीं होगा, आप कन्फ्यूजन में रहेंगे,
तो मैंने 100% देने की कोशिश की, लक्ष्य मेरा रहा ओनली उसमें करना है, फर्स्ट एंड लास्ट मैंने सोच लिया था कि यही है करो या मरो की नीति, बस इसी में निकल जाना है, नहीं तो मेरे पास और कुछ चांस नहीं थे। समय बीतता चला जा रहा था तो मैंने इतना श्योर हो गया कि मेंस में जिस तरह का मैंने लिखा था, आप उसको उस पर भी अगर चर्चा करेंगे, बिल्कुल करेंगे, तो हमको लगा कि जरूर हम कुछ नया करेंगे अपने कैटेगरी में, एसटी कैटेगरी में अवश्य ही मेरा इंटरव्यू होगा, कॉल आएगा। और इंटरव्यू कॉल आ भी गया, इंटरव्यू का तैयारी जैसे ही मैं मेंस लिखा, इंटरव्यू का भी तैयारी स्टार्ट कर दिया। सोचने की जरूरत ही नहीं है कि मेंस निकलेगा तो इंटरव्यू की तैयारी करेंगे, मैं कंफर्म था कि मेरा इंटरव्यू होगा, इसलिए मतलब उसका भी इंटरव्यू का तैयारी एक महीने से स्टार्ट कर दिया। और हुआ ये भी, इंटरव्यू भी आया, इंटरव्यू भी बहुत इजी तरीके से हम उसको दिए, आप उस पर भी हम चर्चा कर सकते हैं, करेंगे अभी, हाँ करेंगे। और वैसे इजी करने के बाद जैसे ही 30 मई को रिजल्ट आता है शाम में, हमें तो पता ही था, घर वालों को भी बोल दिए थे कि ऐसा वक्त आएगा कि हम निकलने वाले हैं, लेकिन जब तक नहीं आपको आता है तब तक नहीं कर सकते, उसका इंतजार है, आपको बता दिया जाए। घर वाले भी मतलब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, ऐसे ही आया। और फिर यहाँ पर वाइफ भी साथ में रहती है, उसको भी यकीन नहीं हो रहा था कि वाकई में ऐसा हो सकता है क्या, सच में ऐसा यकीन किसी को नहीं हो रहा था। आप तो हम बोल रहे हैं कि जरूर, मेरा कॉन्फिडेंस है कि हम अच्छा जरूर करेंगे, लेकिन लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा आप कर लेंगे तो बड़ी बात है, होगा या नहीं होगा, सस्पेंस था। रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आने के बाद फटाफट पहले किसको बताएं आप, सबसे पहले आपको कैसे पता चला रिजल्ट? सबसे पहले मैं तो चेक ही कर रहा था, अच्छा, जिस दिन आने का चांस था उस दिन मैं एकदम लगा हुआ था कि जैसे रिजल्ट आएगा आज आना ही वाला है, ऐसा सस्पेंस में था। पहले ही से लोग 17 तारीख को आएंगे, 18 तारीख को आएगा, ऐसा पहले ही से कयास चल रहे थे, लेकिन लास्ट में ही आना था, मालूम पड़ गया कि इस महीने के लास्ट तक 30 तारीख आ सकता है, तो पता चल गया। जैसे ही आया लोगों को फोन आने लगे, अपना वाइफ को मैंने बताया कि देखो मेरा हो गया, तो बहुत खुश हो गई, कहने का मतलब कि शादी कब हुई थी आपकी? शादी मेरा 2016 में, 2016 में, हाँ। तो 2016 में तो आप आए थे हैदराबाद से मजदूरी करके, हाँ, तो आपकी वाइफ का शादी एक मजदूर से हुआ था उस समय, एकदम मजदूरी कर सकते हैं। और आज एक आप जेपीएससी के ऑफिसर हैं, जरूर जरूर, तो उनका एक मतलब उनका भाव कैसा था जब रिजल्ट आया? तो रिजल्ट आने के बाद भाव बहुत अच्छा आया, कहने का मतलब गर्व से कुछ हो गया कि हम भी अब कुछ मतलब अच्छा कर रहे हैं, हम लोग प्रोग्रेस की ओर जा रहे हैं, बहुत सबको अच्छा लगा। और रिलेशन वाले को भी बार बार फोन आने लगे, लोग मतलब इज्जत सम्मान करने लगे। सबसे ज्यादा तो ये बड़ी बात है कि जो हमारा समाज है, हम जिस समाज से बिलोंग करते हैं, उनका जो समाज है, एक खरवार लोक सेवक संघ एक बना हुआ है, जिसमें सब लोग जितने लोग सर्विसमैन हैं, जैसे आपका पुलिस हो गया, टीचर हो गया, ग्राम सेवक है, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, और रेलवे में हैं, और जेपीएससी वाले भी एक दो हमारे हैं पुराने साथी, इसी तरह का जो संघ बना है, सबसे पहले उन्होंने एकदम मतलब इस वीडियो को वायरल कर दिया, हाँ। मेरा जो सिक्योरिटी गार्ड वाला वर्दी के साथ था, हाँ। उसको जेपीएससी क्लियर लेके, हाँ। पूरा वायरल कर दिए, हाँ। और हमें पता भी नहीं चला कि लोगों को मालूम कैसे हो रहा है, हम तो किसी को पता ही नहीं है, लेकिन वायरल करने के बाद लोग पूछने लगे कि पता नहीं इस गाँव का लोग एक लोगों का हुआ है, फोन आने लगे, तो क्लियर पता चल गया कि हाँ ऐसा हुआ है। हम बताया हाँ हुआ तो है, लेकिन अभी उतना खुशी नहीं है, जब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाता है जब तक खुश होता तब तक खुशी, क्योंकि ये झारखंड है, आपको मालूम है कि जेपीएससी का क्या हाल होता है। जब तक हाईकोर्ट में आपका नहीं जाता है मामला, हाँ। तब तक कुछ हो ही नहीं पाता है, तो मैं अनश्योर था कि पता नहीं हुआ है, ये भी मामला फंसेगा, क्या होगा नहीं होगा, तो अंततः एक चीज और हो गया। जैसे परीक्षा ये जो है बहुत लंबा जर्नी है जी, बहुत लंबी यात्रा है, और इस दौरान लोगों का व्यवहार परीक्षा से पहले और परीक्षा के बाद बहुत अंतर आता है, ऐसा अंतर देखने को मिला आपको परीक्षा से पहले उनका व्यवहार आपके प्रति जी, और रिजल्ट के बाद? जी जी जी, जरूर देखने को आया। परीक्षा से पहले मतलब जब हम संघर्ष कर रहे होते हैं तब तक हमें कोई नहीं जानता है कि आप कहाँ पढ़ते हैं, क्या करते हैं, नहीं करते हैं। जैसे ही रिजल्ट हो जाता है सब लोग आदर सम्मान बढ़ जाता है,
फोन करने लगते हैं कि बहुत अच्छा है, हम गर्व महसूस कर रहे हैं, आप वहां से निकाले हैं, मतलब इज्जत सम्मान उनका देखने का नजरिया पूरा बढ़ जाता है, बहुत इज्जत सम्मान लोग करने लगते हैं। तो हमें महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं मेहनत का फल लोगों को रंग लाता है, और एक पद प्रतिष्ठा की जो बात है ना, हम तो जस्ट संघर्ष से पहले भी वही थे, आज भी वही है, लेकिन मेरे सामने जो एक संघर्ष का एक जुड़ गया रिजल्ट जुड़ गया, उसके साथ लोगों का नजरिया देखने का बदल गया, इज्जत सम्मान ज्यादा करने लगे, लोग आदर भाव से देखने लगे, ऐसा आगे। मुझे लगता है कि झारखंड में जितने भी लोग जेपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे होंगे और झारखंड से बाहर भी जो अपने स्टेट का भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, उनमें से बहुत सारे लोग या कह लें अधिकतर लोग जो हो रहे होंगे आपसे इकोनॉमिकली ऊपर हो रहे होंगे, कुछ वैसे लोग भी हो रहे होंगे जो कि आप ही के लेवल में हो रहे होंगे और कनेक्ट कर पा रहे होंगे हर एक बात को और महसूस कर पा रहे होंगे हर एक दर्द को जो आपने झेला है। जी। और ऐसे लोग जब आपको देख रहे हैं अभी कि अगर आप निकाल सकते एग्जाम, तो उनके मन में भी एक आस जगी होगी, एक उम्मीद जगा होगा और एक कुछ करने का जज्बा आया होगा, लेकिन वो इस बात को लेकर के अभी भी कंफ्यूजन हो रहे होंगे, तैयारी कैसे करनी है और प्रीलिम्स का, मेंस का, इंटरव्यू का तैयारी कैसे करना है। एक एक करके हम लोग इस तरीके से बात किया जाए, आप इस तरीके से बताइए लोगों को कि एक स्टूडेंट है जिसके मन में सिर्फ और सिर्फ सपना है जेपीएससी, उसको कुछ नहीं आता है, जेपीएससी के बारे में कुछ नहीं जानता, वो तैयारी करना कैसे स्टार्ट करे, उसमें हम लोगों को हर एक बात उसको बताना है, सिलेबस कैसे देखेगा, सिलेबस को क्या कितना इम्पोर्टेंस है, कौन सा बुक फॉलो करेगा, फिर मेंस का कैसे करेगा, इंटरव्यू का कैसे करेगा, एक एक करके डिटेल में एकदम ये सोचते हुए कि जो देख रहे हैं उसमें से बहुत सारे लोग अच्छे लोग हो रहे होंगे जिनका तैयारी अच्छा होगा, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हो रहे होंगे जो हमारे कैटेगरी के हो रहे होंगे जिनको भी कुछ नहीं पता हो रहा होगा, जो कि गांव से आ रहे होंगे, इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक नहीं हो रहा होगा, वो तैयारी कैसे शुरू करें। सबसे पहले तो मैं तैयारी करने वालों को बता दूं कि आप ज़्यादा बुक के पीछे ना भागें, आप जो भी बुक पढ़ रहे हैं एक बुक को 10 बार पढ़ें, बिल्कुल ठीक, या नहीं कि 10 बुक को एक बार पढ़ें, आप सबसे सिंपल लाइन में यही समझ लें, कोई भी बुक खराब नहीं होता है, आप एक बुक को 10 बार पढ़ेंगे तो रियल आप उसको ज्यादा याद कर पाएंगे, वो आपका पकड़ में हो जाएगा। आप देखेंगे बाजार में अनेकों बुक हैं, कभी ए ले लूं, कभी वो करूं, कभी ए करूं, ऐसा हो जाता है। तो यही प्रॉब्लम है स्टूडेंट के साथ, मेरे साथ भी हुआ था। तो मैंने सोचा नहीं, कोई भी बुक का आप बेसिक रूप से रख रहे हैं उसी को आप फॉलो करें तो अच्छा रहेगा। यही है प्रीलिम्स की जब तैयारी करना है तो सबसे पहले एक प्रैक्टिस सेट रख लीजिए। तो मैंने प्रैक्टिस सेट जो किया था शिवांगन का किया था, ठीक है, हाँ, तो शिवांगन का जो फर्स्ट और सेकंड दोनों था, करने के बाद उसको जितना हद से ज्यादा, मतलब अधिक से अधिक आप सेट को लगाइए, मतलब आपको सेट में कितना पकड़ हो रहा है, 2 बार 3 बार 4 बार हो जाए तो अति सेट जो है, सेट तो एक बार पढ़ने के बाद ना, हाँ, मतलब जैसे बेसिक पहले रेडी हो जाए, हाँ, उसके बाद फिर सेट लगाना, सेट लगाना है, सही बात है, सेट लगाना। बेसिक के लिए क्या क्या, बेसिक के लिए लुसेंट का जो जीके आता है, झारखंड जीके के लिए, झारखंड नहीं, मतलब लुसेंट जो ऑल, मतलब इंडिया लेवल पे, इंडिया लेवल का जो लुसेंट का आता है, लुसेंट का जो जीके प्रीलिम्स के लिए इनफ है। अच्छा, आप उसको यदि कर रहे हैं तो पिट्टी निकल जाएगा, उसमें कोई शक नहीं है, ठीक है, हाँ। और बाकी लुसेंट के साथ साथ और भी साइंस का जो बुक है लेवल के, जो मैं कर रहा था उस समय रेलवे का भी मेरा टारगेट था, इसलिए मैंने एक छोटा सा बुक लिया था, वो रेलवे का स्पीडी का, अच्छा, साइंस था, वो अभी तक मैं उसको 3-4-5 बार मार चुका हूँ। यदि आप उसको अभी भी सेट हम लगाना चाहेंगे तो 40 से मेरा 35 नंबर आता है। तो मैं कोशिश किया कि साइंस कभी बदलता नहीं है, या टेंथ का हो या हाई का हो, कभी बदलता नहीं है। आप साइंस का कोई भी बुक ले लें, आप उसको बार बार पढ़ें, साइंस आपको कहीं नहीं जाएगा। रेलवे से 10th लेवल से उठाता है, ग्रुप डी वगैरह होगा ना, तो साइंस का कोई भी छोटा बुक या कुछ भी रखे हैं, साइंस का कोई बुक आपको फर्क नहीं पड़ेगा। साइंस के लिए हो गया, हाँ, इंडियन जीके के लिए हो गया, जीके के लिए हो गया, अच्छा, का झारखंड जीके के लिए कौन सा बुक, झारखंड जीके के लिए मैं सबसे पहले बता दूं, और मनीष रंजन का जो बुक है, ठीक है, जो मेंस टाइप का जो बड़ा बुक है उसको फॉलो करें, जो डिस्क्रिप्टिव लिखा हुआ, डिस्क्रिप्टिव है, इससे आपको ये बेनिफिट होगा जब आप प्रीलिम्स निकाल चुके होंगे तो आपको मेंस देना होगा तो आप लिखने में आसान पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वहां पर आप डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे, आसान होगा, और साथ में
जब डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे तो उसी के अंदर आपका फैक्ट होंगे। हाँ बिल्कुल। और फैक्ट आप प्रीलिम्स में निकालने काम आएगा। हाँ हाँ, मोटा बुक के साथ साथ आपको एक ऑब्जेक्टिव वाला जो बुक 7000 का जो एक मनीष रंजन का ऑब्जेक्टिव कलेक्शन आता है, उसको अवश्य रखें। एक चैप्टर पढ़ने के बाद उस चैप्टर को, उसका जो भी ऑब्जेक्टिव आता है उसको आप सेट लगाएं। अच्छा, अपने आप आपको मालूम हो जाएगा मैंने उसे कितना पढ़ा। यदि उस चैप्टर में आपको 20 सवाल हैं, 20 सवाल में आपको 15-18 बनने लगे, तो वाकई में आपने अच्छा पढ़ाई की है उस बुक को। हाँ। तब तो आपका इतना नंबर आ रहा है। हाँ, मतलब झारखंड जीके के लिए मनीष रंजन ये पहले। हाँ। और उसके बाद जो उन्हीं का ऑब्जेक्टिव आता है आपके हिसाब से, हाँ, उसको लगा लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि वो टॉपिक क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है कि नहीं। और जितना अधिक से अधिक वो पूरा लगा लें, मैंने तो अभी तक पूरा उसको लगा भी नहीं पाया। जितना ऑब्जेक्टिव 7000 का है, हाँ, पूरा नहीं, हाफ तक गया होगा टॉपिक बाय टॉपिक करके, पूरा नहीं लगा पाया। जो बंदा यदि पूरा लगा ले, दो बार भी लगा, तो मैं समझता हूँ कि झारखंड जीके कहीं नहीं जाएगा। और जेपीएससी में झारखंड जीके आपको बहुत रोल अदा करता है, बहुत ज्यादा। इसीलिए झारखंड जीके जिसका मजबूत होगा वो आज ना कहीं झारखंड में कहीं ना कहीं जॉब पकड़ेगा, मैं क्लियर बोलता हूँ। अच्छा, प्रीलिम्स में एक करेंट अफेयर्स भी है जी, जो कि बड़ा रोल प्ले कर देता है कभी कभी, जैसे इस बार का भी प्रीलिम्स में अच्छा था। हाँ हाँ हाँ। तो आप करेंट अफेयर्स के लिए कैसे मैनेज करे थे? करेंट अफेयर्स के लिए जितने भी स्टूडेंट है, कुमार गौरव सर का जो वीडियो आता है, उत्कर्ष क्लासेज का जोधपुर का, उस वीडियो को आप जरूर देखें। आप उस वीडियो का अभी कंटिन्यूटी कर रहे हैं तो करेंट अफेयर्स में आप उसके खोपड़ी में इतना छेद करेंगे कि मतलब करंट अफेयर आपसे डर के भाग जाएगा। वो क्लियर है, कुमार गौरव सर का जो शैली है उस आधार पर लाइव वीडियो यदि आप देख रहे हैं तो आपके पास समय बचेगा। लाइव कोशिश करना चाहिए कि लाइव वीडियो देखें, इससे ये होता है कि कम से कम आपको लगेगा मैं क्लास कर रहा हूँ। आप उसी वीडियो को आप नाइट में देखेंगे सोते वक्त, तो आप देखते देखते सो जाएंगे, आपको दिमाग में कभी घुसेगा नहीं। आप कोशिश करें कि जिस तरह का वो क्लास लाइव लेते हैं, आप क्लास को लाइव जैसा मतलब देखें कि मैंने भी क्लास ले रहा हूँ। अच्छा, एक और बात उससे रिलेटेड ये है। हाँ। कि जैसे क्लास देख ली, हाँ, तो क्या उनका जो क्लास है उसका पीडीएफ से आप रिवाइज भी करते थे? जी, मैं पीडीएफ से रिवाइज नहीं करता था। अच्छा। मेरा एक ही सोच था कि जो क्लास चलता था मैं वो क्लास को नोट करता था। अच्छा। और भी स्पीड में, जितने स्पीड में वो बोल रहे हैं उतने स्पीड में मेरा कलम चलता था। वाह। हाँ, इसलिए कि मैं आपको पता था कि मेंस में आपको जब तक नहीं लिखेंगे तब तक आप यूपीएससी क्लियर होने वाला नहीं है। आपको लिखने में आपको आगे होना पड़ेगा, जब तक आपका हाथ दर्द नहीं करता है तब तक आपको जेपीएससी ख्वाबे मत देखिए, मैं तो यही बोलूंगा। पीटी आपको सबका हो जाएगा, रेलवे का भी करने वाला लोग हो जाएगा, बैंकिंग वाला भी पीटी निकाल लेगा सेट लगा कर, लेकिन मेंस अगर निकालना है आपको, जेपीएससी वाकई में क्लियर करना है, तो आपको आंसर राइटिंग जितना स्पीड हो सके, जितना सुंदर हो सके आप कीजिए। आप लेखन कला शैली में आप आगे हैं तो जेपीएससी आप करने में आपको कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, तो ये तो हो गया प्रीलिम्स का। जी, इतने से प्रीलिम्स निकल जाएगा। जी। और अगर हम कंक्लूड करना चाहें तो आपके हिसाब से लुसेंट का जो जीके है उसको बढ़िया से स्टूडेंट कर ले, उसके लिए सेट लगा ले ताकि वो रेडी हो जाए। झारखंड जीके का मनीष रंजन का बुक पढ़ ले, मनीष रंजन का ही जो ऑब्जेक्टिव बुक है, या आप शिवांगन का भी नाम ले रहे थे। हाँ, जरूर शिवांगन का भी ऑब्जेक्टिव कर ले एकदम, तो भी ठीक है। करेंट अफेयर्स के लिए आपके हिसाब से इतना कर ले स्टूडेंट अगर प्रॉपर तरीके से, तो प्रीलिम्स में आ जाएगा जरूर। और इतने रिसोर्स को ही बार बार रिवाइज करना है, बार बार और अलग अलग नया नया रिसोर्स नहीं ढूंढना है, इतने रिसोर्स को ही बार बार रिवाइज करना है जिससे कि होल्ड हो सके उस कंटेंट पे, उस टॉपिक पर। जी, मेंस पे आते हैं। जी, मेंस के बारे में क्या कहेंगे आप? मेंस के बारे में जो यही है, सबसे पहले मेरा जो स्ट्रेटजी रहा, 6 जेपीएससी में जितने सवाल थे मेंस का, ठीक है, सबसे पहले मैंने 6 जेपीएससी के सवाल को, एक एक सवाल को मैं आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दिया। ठीक है। वो भी जो सवाल थे गूगल से सर्च कर करके किस तरह का सवाल उसमें लिखे जा सकते हैं, मैंने एक एक सवाल को रेडी किया जितना सवाल था। इससे हमें यह फायदा हुआ कि उस सवाल को कितने शब्द में लिखा जा सकता है। ठीक। और सब करने के बाद मैंने सबसे पहले देखा कि जेपीएससी का मेंस में किस तरह का सिलेबस है, किस किस टॉपिक से सवाल आते हैं, उसमें 6 जेपीएससी में कौन कौन सवाल पूछ दिए गए। पूछने के बाद जो सवाल बच गए हैं, बचने के बाद मैंने गेस किया कि जब 6 जेपीएससी में सवाल पूछा है तो 7th में पूछने का चांस है। मैंने वैसे टारगेटेड सवाल को फिर अपना आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दिया, और
इसमें समय भी कम मिलता है, आप पूरा सबको तो कर नहीं पाएंगे। हाँ। इसीलिए आप आपको होना चाहिए कि हम कैसा मतलब ऐसा स्मार्ट वे में तैयारी करें जो कि आपको इजी वे में वो सवाल गेस के रूप में आ जाए और जैसा भी सवाल इसके इर्द गिर्द आए आप उसको बना सकें। अच्छा, आप मतलब जैसे बुक आता है जैसे स्पेक्ट्रम का हो गया, एम लक्ष्मीकांत का हो गया, जी, जी, जी। तो ये सब बुक पढ़े थे कि आप एकदम प्रीलिम्स निकालने के बाद टारगेटेड जैसा कि जिस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है जिस सब्जेक्ट में जी, जी। उसी क्वेश्चन पे बेस्ड या उसी टॉपिक पे बेस्ड टॉपिक को ही रिसर्च कर करके पढ़े, पूरा बुक नहीं पढ़े? जी मैं बता दूं, बुक तो मैंने ऑलरेडी खरीद चुका था, जैसे आपका भारत की राजव्यवस्था के लिए एम लक्ष्मीकांत का, ठीक है, वो भी बुक को मैंने पढ़ पाया लेकिन उतना कम्प्लीट उस समय उतना नहीं था, मैं उसको लिया थोड़ा सा पढ़ पाया। उसके बाद आपका हिस्ट्री के लिए एक पूर्वावलोकन का जो आता है, आपका जो जितने प्रश्न पत्र जो होते हैं पिछले साल का ना, उसमें सब संग्रहित किया हुआ रहता है। अच्छा, उसको भी मैं खरीद चुका हूँ, देख रहा था। और उसके बाद और है मेंस के लिए आपका मनीष रंजन तो हो ही गया झारखंड का। हाँ हाँ। और देखिए आपका आगे है विज्ञान और प्रौद्योगिकी साइंस में जो होता है उसका भी मैं एक बुक लिया था रवि पी अग्रहरी का। अच्छा, और वो भी फायदा किया बहुत अच्छा, उसमें भी दिया हुआ है। और इसके बाद अब कुछ मैंने सोचा कि कुछ ऐसा एनसीईआरटी का भी फॉलो कर लिया जाए, तो एनसीईआरटी का पूरा पढ़ने का चांस नहीं मिल पाया, मैंने उसका पीडीएफ वगैरह जो भी इस तरह का, क्योंकि आपको टाइम नहीं मिल पाता, टाइम नहीं मिल पाता हुए एसआईएस का जॉब करते हुए, जी जी, तैयारी करना बहुत डिफिकल्ट होता है। और मैं जितना हो पाया उतना आपने किया, उतना किया। एनसीईआरटी को भी देखते हुए थोड़ा मैं किया, मतलब ज्यादा तो नहीं हो पाया, फिर भी मैं अपना सब मतलब अपना एप्स लोड कर करके 7-8 का जो भी था एनसीईआरटी का बुक उसको मैं थोड़ा थोड़ा देख पाया ताकि उसमें क्या है एक्चुअली में। अच्छा, हाँ, इतना मेरा एसएससी का मेंस का था जी। ठीक है, इंटरव्यू कब था आपका, डेट याद है? इंटरव्यू मेरा था 10 तारीख को। अच्छा। ये आपका जून में मई को एग्जाम निकला ना। हाँ हाँ। तो मई में था। अच्छा, और इंटरव्यू का क्वेश्चन सबसे, अच्छा सबसे पहला बात ये है जी, बहुत लोगों के मन में सवाल रहता है कि जब हम लोग अंदर जाते हैं जी, तो सबसे पहले विश करते हैं जी, इंडिविजुअली सबको एक एक करके करते हैं कि एक ही बार में सबको करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा पूछते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। तो होता क्या है कि सबसे पहले यदि आप अंदर प्रवेश कर रहे हैं तो वहाँ अनुमति लेके तो अंदर जाना ही है, ठीक है, वो तो सबको पता है। हाँ। वहाँ जाने के बाद यदि उस बेंच में मतलब उस बोर्ड में, हाँ, बोर्ड में महिला मेंबर है तो सबसे पहले महिला मेंबर को आपको विश करना है, ठीक है। उसके बाद अन्य पुरुष हैं सबको साथ में कर सकते हैं या अलग अलग सभी कर सकते हैं, वहाँ पर डिपेंड करता है, ऐसा कोई मायने नहीं रखता है। अच्छा अच्छा। इंटरव्यू की तैयारी आपने कहीं किया था क्या, कहीं कोई इंस्टीट्यूट से? हाँ, इंटरव्यू की तैयारी के लिए मैंने रेनेसा आईएएस एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है उन्हीं से मैंने थोड़ा सा गाइडलाइन लिया था कि किस तरह का तैयारी किया जाए। फिजिकली जाके कहीं नहीं किया? मैं फिजिकल जाके मैंने नहीं किया था कि कहीं कोचिंग ज्वाइन कर लेना है। अच्छा। कहीं मॉक टेस्ट दे देना है, इस तरह मैंने कभी नहीं मॉक इंटरव्यू नहीं दिया। नहीं, मॉक इंटरव्यू दिया। अच्छा। अभी ऑनलाइन। अच्छा। रेनेसा आईएएस का ही मैं ऑनलाइन दे चुका अपने ही रूम में रह के। अच्छा अच्छा। वो मैंने सोचा कि देख लेते हैं क्या क्या सवाल है, किस तरह का आएगा, तो बस अपने ही रूम में रह के मैं मॉक इंटरव्यू दे दिया बस। अच्छा, क्वेश्चन कैसे, मतलब शुरुआत कैसे हुआ इंटरव्यू में, सबसे पहले उन लोगों ने क्या बात की आपसे? हाँ, बोर्ड मेंबर से सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरा बोर्ड में वो जो अध्यक्ष साहब थे अमिताभ चौधरी। अच्छा, वो थे, उन्हीं का बोर्ड में मेरा पड़ गया। अच्छा, तो सबसे पहले अंदर आने के बाद बैठने के लिए उन्होंने इजाजत दिया, उसके बाद मैंने बैठा, बैठने के बाद बताया कि आप कहाँ से हैं, तो सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दिया, अपने गांव जिला सब बता दिया। बताने के बाद वो पूछ रहे हैं कि आपका ऑनर्स पेपर क्या था, ठीक है, तो मैंने ऑनर्स पेपर बताया कि मेरा ऑनर्स पेपर हिस्ट्री है। और हिस्ट्री से उसमें सवाल आया कि हिस्ट्री में आप द्वितीय विश्व युद्ध क्या कारण थे? अच्छा, तो कारण पर मैंने जितना समझ में आया मैंने कारण को लेकर दिया, उसी से रिलेटेड और एक दो सवाल पूछे थे हिस्ट्री से, वो भी याद नहीं है। और करने के बाद फिर अगला को ट्रांसफर कर दे, मतलब अगला को चांस दे पूछने के लिए। जब अगला को चांस दिए तो सबसे पहले उन्होंने यही सवाल किया कि आप 2007 जब पास किए हैं तो इतने सालों से आपका गैप क्यों हो गया? तो मैं आपको ईमानदारी पूर्वक बता दूं, आज मैंने इंटरव्यू में जो बात कहा है मैंने सच बात वहां भी मैंने बताया। अच्छा, जो आज इंटरव्यू यहाँ दे रहा हूँ सच में मैं वहाँ भी इंटरव्यू ऐसे ही दिया कि 2007 में जो मेरा ग्रेजुएशन हुआ मेरा आर्थिक स्थिति खराब था, इसके लिए मेरे बाहर जाना पड़ा, मैं पढ़ नहीं पा रहा था, इसीलिए इतना संघर्ष करना पड़ा। और फिर अंतोगत्वा हम धीरे धीरे जागरूक होने लगे, तैयारी करने लगे, बस तैयारी करने के बाद
आपके पास मौजूद हैं, तो उन्हें लगा कि सच में ऐसा इनके साथ हुआ है। हाँ, उसके बाद फिर और पूछ रहे हैं कि क्या आप पहली बार इसको दे रहे हैं या और कहीं आपने ट्राई किया था। तो मैंने 2018 का जो ग्रुप डी का जो मैं निकला था, मैं उसी का उदाहरण दे दिया। अच्छा, तो मैं निकला था, उसके बाद मैं गया वहाँ और जो वहाँ नेगेटिव सोच आया मैं उसको पॉजिटिव में बदला। उस चीज़ को भी मैंने वहाँ इंटरव्यू में रखा था। तो लोगों को समझ में आया कि सच में इनमें है जो हकीकत है, जो ऑनेस्टी, वही बात कर रहे हैं। आप यदि आप लंबा बात करेंगे तो उन लोगों को भी मालूम पड़ता है, मालूम पड़ेगा, क्योंकि वो आईएएस लोग होते हैं ना, उनको पता चल जाता है। आप लंबा लंबा फेंकेंगे तो उनको खुद मालूम पड़ेगा। जी, तो ऐसा रहा इंटरव्यू। जी जी। अच्छा, अंत में एक बात ये कि अभी जैसे जो भी इस लेवल का परीक्षा है उसका जब स्टूडेंट तैयारी करने जाता है तो उसके मन में एक विचार आ जाता है कि अब नॉर्मल बैकग्राउंड के लोग इसमें बहुत कमा रहे हैं, और ये हकीकत भी है कि बहुत, मतलब गरीबी देखते हुए जो लोग आगे बढ़े बहुत कम लोग आ पा रहे हैं। जी, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे जो लोग इस मतलब माइंडसेट से अभी जूझ रहे हैं? हाँ, कि अगर मेरा फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है जी, जी, तो ऐसा बड़ा एग्जाम का तैयारी करना ठीक नहीं है या नहीं कर पाएंगे जी, उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? सबसे पहले मैं उनको बोलना चाहूँगा कि आप हतोत्साहित ना हो। तैयारी करने के लिए आपके पास एक जुनून होना चाहिए। आपने जब ख्वाब पाल रखा है तो ख्वाब भी पूरा होगा। जब यदि आप कोशिश करना चाहेंगे तो बहुत रास्ते निकाले जा सकते हैं। सबसे पहले आप, ठीक है, फाइनेंशियल वीकनेस है, आप कमजोर हैं, इस तरह का व्यवस्था आपके पास नहीं हो पा रहा है, तो कम से कम आप तो सुन ही चुके हैं कि मेरे पास कोई भी ऐसा कोई स्पेशल डिग्री नहीं था। आपने फर्स्ट में ही बता दिया था कि किस तरह का मैट्रिक में इंटर का परसेंटेज था। तो सबसे पहले आप इस तरह का भी जॉब में जाना चाहते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि आप कॉमर्स पढ़ेंगे या साइंस पढ़ेंगे, ओनली आप आर्ट्स भी पढ़ लेंगे, बस ग्रेजुएशन पढ़ लेंगे, बीए कर लेंगे मात्र, तो आप सिविल सर्विस जॉब में आ सकते हैं, आईएएस लेवल तक आ सकते हैं। आपको ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बीएड करेंगे, बीटेक करेंगे, आईआईटी करेंगे, उसके बाद ही हम आईएएस बनेंगे, ऐसा कुछ बात नहीं है। आप ओनली किसी तरह बीए कर लीजिए, उसके बाद कहीं अगर कोचिंग सेंटर नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है, आपके पास एक स्मार्टफोन तो होगा, स्मार्टफोन है जियो का, आप हर समय आप तो रिचार्ज कराते हैं, सब कोई कराते हैं, लेकिन होता क्या है कि लोग भटक जाते हैं, पढ़ाई को नहीं ध्यान देकर लोग कॉमेडी है ये है वो पर चले जाते हैं। आप उसको यूज करें, आज का टीचर यूट्यूब में हजारों मिल जाएंगे बिल्कुल पढ़ाने वाले। बिल्कुल, आप घर में रह के यदि आप चाहेंगे तो आपका क्लास ऑनलाइन क्लास वहीं से चलेगा, आप वहीं से आप तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए, तो अंत में आते हैं और यही उम्मीद करेंगे कि आपका जर्नी जितना इंस्पायरिंग रहा है अभी तक जी, आगे का भी जर्नी उतना ही इंस्पायरिंग रहेगा, लोगों को इंस्पायर करते रहेगा। जैसे आप विपरीत परिस्थिति से लड़ करके यहाँ तक पहुँचे हैं, आगे आने वाले समय में जो विपरीत परिस्थिति से जो हमारा राज्य झारखंड गुजर रहा है उसको अच्छा करने में, लोगों का जीवन को बेहतर बनाने में आप और कंट्रीब्यूट करेंगे और लोगों को मोटिवेट करते रहेंगे कि गरीबी से लड़ करके एक ऑफिसर बना जा सकता है और ऑफिसर रह करके भी एक ईमानदार ऑफिसर बन करके लोगों का सेवा किया जा सकता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।